बहराइच में शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। बहराइच में प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक अधिकारियों द्वारा जिलों में वृहद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों तथा अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली किए जाने और प्रदेश के कार्मिक संगठनों की लंबित समस्याओं के संबंध में अपना चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। आइए डालते हैं बहराइच संवाददाता साइश सईद की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की। जब पेंशन की लड़ाई चल रही थी उस समय तो धर्म की लड़ाई चल रही थी। किसने कहते हैं कि जब पेंशन की लड़ाई चल रही थी उस समय धर्म की बात उन्होंने कहा था, और आज अगर गांधी नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कायर कहेगी कि ये भाई जरूर विद्यालयों में है, जो कार्यालयों में है उनको भगवान सदबुद्धि दे, क्योंकि उनका बुढ़ापा बहुत खराब गुजरेगा अगर वो आज ही नहीं देते। वे शिक्षक क्या कहेंगे? यहाँ पे धरना दिया, इतना बड़ा प्रोग्राम क्या है, प्रदर्शन हुआ है, क्या क्या मांगे आपकी हैं और सरकार आपकी क्या मांगे पूरी करने को कह रही है? देखिए, आज पूरे 75 जनपदों में धरना प्रदर्शन किया गया है और इसमें पूरे प्रदेश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन, खास तौर पे हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग, हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग और हमारे डिप्लोमा इंजीनियर संघ, अनुदेशक संघ, शिक्षा मित्र संघ, राज्य कर्मचारी संघ, पेंशनर संघ, ये सभी लोग सीनियर लोग हैं यहाँ पे। आज मुख्य रूप से हमारी जो अलग अलग विभागीय मांगे हैं, चाहे वो प्राथमिक की हो, माध्यमिक की हो या राज्य कर्मचारियों की हो, वो सारी मांगे हैं। लेकिन सबसे प्रमुख रूप से हमारी आज की मांग ये रही है कि जो 2005 के बाद से नियुक्त हुए हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता हमारे आनंद कुमार पाठक जी कर रहे थे, संयोजक हमारे रमेश चौधरी साहब जो कि पेंशनर संघ के थे, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे डिप्लोमा संघ के इंजीनियर चंद्र प्रताप जी थे। कौन से पांजी कौन है चंद्रपाल? ये सर यहाँ पे खड़े हैं, और आनंद पाठक जी हैं हमारे, ये जो है आरसी चौधरी साहब हैं, ये लोग पुराने पेंशनर्स के संघ के भी हैं, हमारे ये लोग कर्मचारी संघ के हैं, और मुख्य रूप से जैसे कि विजय उपाध्याय जी हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री हैं, हमारे कुष्मेंद्र राणा जी हैं ये हमारे अनुदेशक संघ के हैं, रसोईया संघ के, ग्राम पंचायत विभाग के जितने संगठन हैं, हमारे कलेक्ट्रेट के, विकास भवन के, सभी संगठनों ने मिलकर के आज ये समर्थन दिया, उपस्थित भी रहे, और हम लोग इस बात को प्रयास भी इसका कर रहे हैं कि आज के इस जोरदार प्रदर्शन से सरकार जरूर संवेदनशील होगी और 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करेगी और पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। आपने बहुत अच्छे ढंग से आज भाषण दिया, आपका भाषण सुना और आपकी जो हिम्मत है उसको वाकई सलाम करते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा है, आपने अपनी माने रखने के लिए बहुत अच्छे ढंग से आपने आज पब्लिक के सामने जो भाषण दिया है, लेकिन अगर इसके बाद में अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हिम्मत की जहां तक बात है तो ये हमारे सबसे पुराने आरसी चौधरी साहब हैं। कौन आरसी चौधरी साहब? ये हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे सबसे नए राणा साहब हैं, ये लोग हैं। इन यहाँ पे जो जमावड़ा था हमारे शिक्षक कर्मचारियों का, वास्तव में वही हमारा हौसला होता है हम लोगों के लिए, और हम लोगों की योजना पूरी स्पष्ट है कि अगर सरकार आगामी 2-4 या 10 दिनों में कुछ इस पे एक्शन नहीं लेती है, उम्मीद करते हैं कि जैसे कि अन्याय पे न्याय की जो विजय हुई, दीपावली पर्व, दीप पर्व मनाया जा रहा है, हो सकता है सरकार भी शिक्षकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति न्याय बरतते हुए दीप पर्व के उत्साह को दुगुना करें। अगर नहीं करती है तो 30 नवंबर को पूरे प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी, पेंशनर, सभी लोग पूरे प्रदेश की सड़कों पर होंगे, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि सरकार मानेगी, और अगर नहीं मानेगी तो हम लखनऊ के ही सड़कों पर हमारा